प्यारे बच्चों, उर्दू लुगत की वेबसाइट ugv.gov.pk इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दी गई है, जिसमें उर्दू लुगत के अल्फाज की माने आप ढूंढ सकते हैं। जैसे खुश पसंद, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं आपका उस्ताद जुबैर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू बराए जमात पंजम, आज हमारे सबक का उनवान है हजरे अस्वद। तो आइए आगाज करते हैं بسم الله الرحمن الرحيم हजरे अस्वद की कहानी। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते जन्नत का एक पत्थर ज़मीन पर लाए। उस पत्थर को हजरे अस्वद कहते हैं। तब ये पत्थर खाना काबा के एक कोने में नस्ब किया गया। हज और उम्रा करने वाले लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं, तो खाना काबा के तवाफ के दौरान हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। ये पत्थर मुसलमानों के नज़दीक एक इसलिए मुकद्दस है कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बार बार चूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना काबा में तशरीफ ले जाते हजरे अस्वद को जरूर बोसा देते। एक साल मक्का में शदीद बारिशें हुई, तब खाने काबा की दीवारें कच्ची थीं। इस बारिशों से खाने काबा की कच्ची दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा और ये कई जगह से बैठ गईं। कुरैश ने फैसला किया कि खाने काबा को नए सिरे से तामीर करके उसकी दीवारें मजबूत और बुलंद कर दी जाए। जब काबे की तामीर हो चुकी तो हजरे अस्वद को दोबारा उसके मकाम पर नस्ब करने की बारी आई। हजरे अस्वद चूंकि हर कबीला के लोगों के लिए काबिल एहतराम था, इसलिए हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद की दोबारा तंसीब की सआदत सिर्फ उसी को मिले। खदशा था कि इस मामले पर कबाइल के दरमियान कहीं जंग न चढ़ जाए। आखिरकार मक्का के चंद जहां दीदा बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले सहन काबा में दाखिल होगा वही हजरे अस्वद को उसके मकाम पर नस्ब करेगा। अगले रोज खाना काबा के सहन में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 25 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबुवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के कायल थे और वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। खाना काबा के सहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह सवेरे आमद से लड़ाई झगड़े का खतरा टल गया था। लोगों को यकीन था कि अब ये मामला नहायत खुशसलूकी से हल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हजरे अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से उठाया और चादर पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले का एक एक नुमाइंदा लिया और तमाम नुमाइंदों से फरमाया कि वो चारों कोने थाम कर चादर को ऊपर उठाएं। जब चादर उस मकाम तक पहुंच गई जहां हजरे अस्वद को नस्ब किया जाना था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को अपने दस्ते मुबारक में लिया और काबा की दीवार में लगा दिया। हजरे अस्वद आज तक उसी मकाम पर नस्ब है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का मुंह बोलता सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से मक्का के लोग खून खराबे से बच गए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,00,000 मुसलमानों के साथ हज किया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। तो उन्होंने तवाफ के दौरान सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के साथ हजरे अस्वद को बोसा दिया।
यही वजह है कि हज और उमरा करने वाले लाखों जायरीन उसको बोसा देते हैं। अब तक अरब मुसलमान जन्नत के इस पत्थर को बोसा दे चुके हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ये सिलसिला इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक खत्म हुआ। खास अल्फाज समाप्त फरमाए, फर्जन, तंसीब, तवाफ, पैगंबर, नबूवत, सआदत, कबाइल, जहांदीदा, नुमाइंदा, हिकमत, जायरीन, खुश स्लूबी।